चार का चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द प्रोनाउन इट्स काइंड। प्रोनाउन के काइंड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन के बारे में एक बार रिकॉल करते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के की जगह पर यूज किया जाता है। नाउन की जगह पर जिसका यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो फंक्शन की बेस पर इसके अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली इसमें हम लोग पांच टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल प्रोनाउन कैसा होता है। पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के। पर्सन मतलब किसी इंसान के लिए यूज किया जाता है। अब इंसान के लिए दो तरीके से यूज किया जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? आई होगा, यू होगा, वी होगा, शी होगा। ये सारे प्रोनाउन किसके रूप में यूज किए जा रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी दे। अब ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे मी हुआ, उसके बाद यू हुआ, ये हमारे प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाते हैं किसी पर्सन के लिए, और ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो किसी पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। अब पर्सन थ्री टाइप्स के होते हैं। पर्सन कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के पर्सन होते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं अगर मैं सामने वाले से किसी से बात करता हूँ तो मैं अपने आप को कहूँगा फर्स्ट पर्सन। मैं अपने आप को क्या कहूँगा? फर्स्ट पर्सन। और सामने वाले को क्या कहूँगा? सेकंड पर्सन। और मान लीजिए हम लोग किसी एक तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तीसरा पर्सन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। थ्री पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं अपने लिए क्या कहूँगा? आई कहूँगा। सेकेंड पर्सन में जो मेरे सामने खड़ा होगा उसको क्या कहूँगा? उसको क्या कहा जाएगा? यू कहा जाएगा। थर्ड पर्सन में मान लीजिए अगर हम लोग किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ही कहेंगे। अगर उसी की जगह कोई लड़की होगी तो बदल जाएगा प्रोनाउन, यानी लड़की के लिए क्या यूज किया जाएगा? शी यूज किया जाएगा। अब इनका प्लूरल भी होता है। आई का प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल यू भी होता है, और ही शी का प्लूरल क्या होता है? यानी जब एक से ज्यादा लोग बनेंगे तो फर्स्ट पर्सन के लिए भी, सेकंड पर्सन के लिए भी और थर्ड पर्सन के लिए देखा यूज करता है। अब उसके बाद आप टाइम में टेबल बना हुआ है। सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से यूज किया जाते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से यूज किया जाते हैं आपके सामने लिखा हुआ, उसको आपको पढ़ लो। ठीक है, ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसके लिए यूज किया जाता है? किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड प्रोनाउन की तरफ जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जान लीजिए। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ,
themselves. ये जो ऐसे वर्ड देख रहे हैं, सेल्फ देख रहे हैं या लास्ट में सेल्फ देख रहे हैं, ये लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। किसकी तरफ इशारा करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो वापस किसकी तरफ इशारा करता है, सब्जेक्ट की तरफ। अगर सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माइसेल्फ होगा, अगर सब्जेक्ट ही शी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होगा, अगर सब्जेक्ट ई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। तो याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह इशारा करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन पर जोर डालता है। क्या डालता है, जोर डालता है। जब हम हमें किसी इंसान पर जोर देकर बात करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इंपैसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके लिए भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माइसेल्फ और इसी तरीके से और वर्ड जिनके बाद क्या लगा, सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, उनके बारे में ये बात करता है। और बात करके ऊपर क्या करता है, जो नाउन आते हैं ऊपर जोर देता है। जैसे हिम सेल्फ है किसी मेल पर्सन पर जोर देगा, हर सेल्फ है किसी लड़की पर जोर देगा, यानी कि यूज किया जाता है। माय सेल्फ ये आई यानी फर्स्ट पर्सन पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसको हटा दें तो मीनिंग में किसी तरीके का चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये केवल काम किस लिए किया जाता है, केवल नाउन ऊपर जोर देने के लिए और ज्यादा जोर देने के लिए। जैसे मैंने कल एक गाड़ी बनाई, अगर ये कहा जाए मैंने कल एक गाड़ी बनाई, और दूसरा सेंटेंस ये कहा जाए मैंने कल खुद से एक गाड़ी बनाई, मैं अपने से या खुद से एक गाड़ी बनाई, यहाँ पर अपने से या खुद से क्या कर रहा है, मैं पर और ज्यादा जोर दे रहा है। यही हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग। ये हुआ इंपैसिव प्रोनाउन, जिसका काम क्या होता है, ये नाम को और ज्यादा जोर देता है और ज्यादा प्रेशर देता है और ज्यादा रेफरेंस करता है। अब चौथा प्रोनाउन हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा प्रोनाउन जो इशारा करता है चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कभी कभी जब नजदीक की चीज को इशारा करते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं, और जब दूर की चीज को इशारा करते हैं क्या लगाते हैं, दैट। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज ए हिल, ये एक हिल है, ये एक पहाड़ी है, पहाड़ों में नजदीक होगी तो कहेंगे दिस, और पहाड़ी मान के दूर होगी तो कहेंगे दैट इज ए हिल, यानी वो एक पहाड़ी है। दूर के लिए दिस और नजदीक के लिए दैट। याद रखिए, जब हम किसी चीज को इशारा करके बताते हैं तो ऐसे प्रोनाउन, जब हम किसी चीज को इशारा करके बताते हैं तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग उसने लास्ट प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करता है, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में इसका यूज किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है यही का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो याद रखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो क्या क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जैसे कहा जाए होम्स बाई हिज फ्लैट, विलियम का हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें जैसे कि हम किसके लिए यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कहा जाए व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं, तो व्हाट याद करता है या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हुआ हमारे पास टाइप के प्रोनाउन जिसे हम लोग वन बाय वन करके पढ़ सकते हैं। तो आज क्लास का हम लोग करते हैं, ठीक है।